दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आईकू ने लॉन्च कर दिया आईकू नियो 6। इस वीडियो में स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं ऑफर के साथ, लेकिन वहां पे उस वीडियो के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक और वीडियो बना देते हैं जिसमें सारे ऑफर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, एंड इसके साथ साथ बता दूंगा कि कब तक चलेगा ये सेल जो ऑफर मिल रहा है। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देन इसके बाद बहुत सारी चीजें, मतलब आईकू नियो 6 लें या फिर आईकू 7, आईकू नियो 6 लें या फिर आईकू 9 SE, सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कब तक चलेगा सेल। इसके ऊपर 3 ऑफर से आपको मालूम है, ऑफर एक्सप्लेन कर दूं पहले। ICICI का अगर आपके पास कार्ड है, वैसे 30,000 का स्मार्टफोन है 8GB 128GB, और अगर आपके पास ICICI कार्ड है तो उसके ऊपर 3,000 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट है। ICICI का कार्ड, वो डेबिट भी होगा तो भी चलेगा, क्रेडिट भी होगा तो भी चलेगा, यानी ATM भी चल जाएगा, 3,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे ही आप ऑफर पेज पे जाते हो, मतलब जैसे पेज पे जाते हो Amazon पे, नीचे देखो एक कूपन करके लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करो, 1,000 और कम हो जाएंगे, 4,000 कम हो गए। उसके बाद अगर आपके पास कोई पुराना फोन है, ठीक है, जैसे कोई पुराना फोन है, समझ लो मेरे पास है Asus का 5G, अब Asus के 5G की कीमत है 3,500 रुपए फिलहाल के टाइम पे एक्सचेंज की, लेकिन अगर आप एक्सचेंज करते हो ना तो 3,500 के ऊपर भी 3,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उस फोन का मुझे 6,500 मिल रहा है जो आज से करीब करीब 4 साल पहले का फोन है, 4.5 साल, 6,500 काफी अच्छी डील है मेरे हिसाब से, तो अच्छी है। तो 3,000 रुपए एक्सचेंज का, 1,000 कूपन का और 3,000 ICICI के कार्ड का। पहले क्या होता है ना, बहुत सारे ऑफर्स में दोनों ऑफर्स नहीं मिलते, कुछ ऑफर्स में, ये कहाँ का खेल होता है पता है, कार्ट वैल्यू का। जब आप ICICI के कार्ड वाले ऑप्शन पे जाओ ना तो कार्ट वैल्यू लिखा रहेगा, अगर ICICI का एक्सचेंज वाला करने के बाद 15,000 के ऊपर पे कर रहे हो तो आपको ऑफर ICICI वाला भी मिल जाएगा। तो टोटल 7,000 का ऑफर मिल रहा है, ठीक है, तो 7,000 माइनस करते हो तो ये बचेगा 23,000 रुपए में, प्लस उसके बाद जो आपके स्मार्टफोन की प्राइस रहेगी, जैसे मेरे Asus 5Z की प्राइस थी 3,500 रुपए, वो भी माइनस होगा तो आपको कम प्राइस पे मिल जाएगा। चलिए अच्छी बात है। कब तक चलेगा सेल? सेल कब तक चलेगा ये जानने के लिए आपको ICICI कार्ड वाला जो ऑफर है ना उसके अंदर जाओ, तो वहां पे पता चलेगा कि 10th of June तक चलेगा ये ऑफर। 10th of June तक तो ऑफर चलेगा, लेकिन एक चीज आप याद रखना, उतना वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया उसके पहले, ऑब्वियसली ये ऑफर पहले भी खत्म हो सकता है, ऑफर तो रहेगा बट स्टॉक ही नहीं रहेगा, तो फिर कहां से लोगे? तो ये वाला मैटर है यहां पे, ये चीज याद रखना। चलेगा तो 10 तारीख तक, 10th of June, अभी भी 10 दिन का टाइम है, लेकिन अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि ऑफर काफी तगड़ा है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो अगर पहले खत्म हो गया तो फिर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30,000 में आया तो इससे अच्छा आईकू 9 SE ले लो। आईकू 9 SE का प्राइस 35,000 के आसपास है, ये 30,000 का, 5,000 का फर्क है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑफर लगा के 30,000 पे आ जा रहा है वो भी, तो ये भी तो ऑफर लगा के 23,000 पे आ जा रहा है, तो दोनों अपने प्राइस पे सही है। ऑफर लगा के जो आपका बजट हो उस हिसाब से देख सकते हो, अगर आपका बजट 30,000 के आसपास का है तो आईकू 9 SE ले लो, वो भी काफी तगड़ी डील है, खराब नहीं है। इसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑफर में आईकू 7 ले या इसको ले, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है। आईकू 7 थोड़ा पुराना है तो इसलिए आपको अपडेट्स कम मिलेंगे, ये एंड्रॉइड 12 पे आया, आईकू 7 जो था वो 10 या 11 पे आया था, तो ऑब्वियसली उसमें एंड्रॉइड अपडेट कम मिलेंगे। दूसरी चीज, आईकू 7 के ऊपर अभी इतना तगड़ा ऑफर नहीं है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसका भी प्राइस 30,000 के आसपास है, तो वो चीज एक देख लो, आपको थोड़ा सा लग सकता है। एंड जो मेन इश्यू है वो 5G बैंड वाला है। आईकू 7 में आपको एक या दो ही 5G बैंड मिलते हैं, इसमें 4 या 5 करीब करीब है। अब 5 5G बैंड तो इनफ है, ठीक है, N41 है, N2 है, N1 है और N78 है, और कोई है याद नहीं आ रहा है, इसमें 5 इनफ होता है, ठीक है, 5 आराम से चल जाएगा। 2 बैंड्स रहेंगे तो थोड़ा आपको इशू हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 5G फोन है ऑब्वियसली उसके लिए ले रहे हो, तो बाकी सारी चीजें देखो, तो मेरे, हाँ ये कह सकते हो कि आईकू 7 के पीछे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलता है एंड इसके पीछे पॉलीकार्बोनेट है, ये एक इश्यू है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती है, अदरवाइज मेरे हिसाब से स्मार्टफोन ज्यादा बेटर है आईकू नियो 6 एज कम्पेयर टू आईकू 7। बाकी आप देख लो आपके हिसाब से। आई विश कि मैंने क्लियर कर दिया वो सारी चीजें। बताना कैसा लगा वीडियो, जरूर बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, अभी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम, जिसको क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तक के लिए दोस्तों।